राधा अष्टमी का व्रत 11 तारीख को सुबह ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हो जाएगा और 11 तारीख को ही दोपहर 12 बजे जैसे ही आप राधा रानी का जन्म कराएंगे उसके बाद आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। देखिए पुराणों के अनुसार जो राधा रानी के जन्म का समय बताया गया है वो दिन के मध्य काल में बताया गया है, इसीलिए करेक्ट 12 बजे आपको राधा रानी का जन्म कराना है जिसमें कि आपको उनका अभिषेक पंचामृत से कराना होता है। अगर आपके घर में राधा रानी नहीं है आप लड्डू गोपाल का जन्म भी करा सकते हैं, और अगर दोनों ही आपके पास नहीं है तो जो भी भगवान आपके पास हैं उनके बगल में आप अपने फोन में ही राधा रानी की फोटो रख के उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, और आप भोग में जो चाहे राधा रानी को वो अर्पित कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा कि कढ़ी चावल या दही की अरबी की सब्जी, रसगुल्ला, खीर, रबड़ी, इनमें से एक चीज आप राधा रानी के भोग में जरूर शामिल करें, और व्रत के दौरान आप फलाहारी भोजन कर सकते हैं।